लोग मिलियंस कमा रहे हैं। मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज अपने अपने एनएफटीज मार्केट में लेके आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेके सलमान खान से लेके दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, मनीष मल्होत्रा, ये सब अपने अपने एनएफटीज मार्केट में ला चुके हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी स्टोरीज न्यूज में सुनी होगी कि कैसे एक 22 साल के इंडोनेशियन लड़के ने अपने सेल्फी कलेक्शन बेच के $1 million कमाए। 12 साल के बेनमिन अहमद ने कैसे अपने एनएफटी कलेक्शन को बेच के $1 million कमाए। और एक 32 साल के आर्टिस्ट अमृतपाल सिंह, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने 9 मंथ में अपने एनएफटी कलेक्शन से $1 million कमाए। तो बात यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये एनएफटी एक्चुअली होता क्या है, क्या ये एनएफटी मैं और आप जैसे लोग भी बना सकते हैं, क्या ये एनएफटी सेफ है, चलिए जानते हैं। एनएफटी को समझते हैं सबसे पहले। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल का मतलब क्या हुआ, फंजिबल का मतलब क्या हुआ, तो इसको सिंपली अगर मैं समझाऊं तो फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल, नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल, जिसको बदला ना जा सकता हो या जिसको बदला जा सकता हो। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, तो आपकी घड़ी हो गई या आपका पेन हो गया या आपका मोबाइल हो गया, वो एग्जैक्टली आप मार्केट में जाके दूसरी कॉपी ला सकते हैं, लेकिन आपका जो घर है या फिर आपकी दादी या मम्मी ने जो आपके लिए स्वेटर बुना है, वो आप मार्केट में जाके दूसरा परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूनिक है। तो वो हो गया नॉन फंजिबल। अब समझते हैं टोकन क्या होता है। तो एक्चुअली टोकन को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो जब हम कोई लैंड या कोई घर खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उस रजिस्ट्री में एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ आपके पास में होता है, जो सिर्फ आपसे एसोसिएटेड होता है, तो वो होता है उसका टोकन नंबर। इसी तरह से आधार कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, उन पे भी एक यूनिक नंबर होता है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए टोकन। अब समझते हैं हु कैन क्रिएट एनएफटीज। जितने भी क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, चाहे वो वीडियोग्राफर है, म्यूजिशियन है, फोटोग्राफर है, ग्राफिक डिजाइनर है, कोई आर्टिस्ट है, मतलब जो भी कोई डिजिटल फॉर्म में आर्ट क्रिएट कर सकता है वो एनएफटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो एनएफटी क्रिएट नहीं कर सकता। तो मान लीजिए अगर आप अपने कॉलेज में हैं और आप इन सब में से किसी भी फील्ड में नहीं हैं, लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स के दौरान एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, उस ग्राफ को, वो ग्राफ हो सकता है आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो, आपके मैथ्स में कोई ग्राफ हो या फिर इकोनॉमिक्स में कोई ग्राफ हो, और उस ग्राफ के अराउंड आप कुछ नोट्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए और उसको आप एज ए एनएफटी कर सकते हैं यूज, क्योंकि वो एक यूनिक एलिमेंट है, सिर्फ आपने क्रिएट किया है। इसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में आप अंडरलाइन करते हैं, उससे रिलेटेड नोट्स क्रिएट करते हैं, तो वो बुक तो यूनिक कॉपी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो नोट्स आपने क्रिएट किए हैं वो एक यूनिक कॉपी है, तो उसके द्वारा भी आप एनएफटी अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है ये एनएफटी सेफ है या नहीं। देखिए एनएफटी 2015 से मार्केट में है। इसको बूस्ट मिलने का मेन रीजन है क्रिप्टोकरेंसीज। क्रिप्टोकरेंसीज का जो एक्साइटमेंट है उसकी वजह से इसको बूस्ट मिला है। और जो कलेक्टर्स होते हैं, जो कलेक्शंस करते हैं आर्ट का, उनमें एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो क्या करते हैं, ऑक्शंस में जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज कलेक्ट करते हैं। लेकिन एनएफटी मार्केट की वजह से आप घर बैठे किसी ऑक्शन में जाए बिना भी खूब सारा कलेक्शन कर सकते हैं। वहीं पे अगर कोई ट्रेडिंग करता है, मतलब कोई एनएफटी जो पोटेंशियल एनएफटी है वो सस्ते में खरीद के कुछ टाइम अपने पास में होल्ड करके उसको महंगे में बेचता है, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसकी वजह से भी एनएफटी का मार्केट आज बहुत बूस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या ये सेफ है। तो जितना क्रिप्टो करेंसी सेफ है उतना एनएफटी सेफ है। फ्यूचर देखिए किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं एनएफटी को लेके थोड़ा बुलिश हूँ। अच्छा, तो अगर ये NFTs हम बनाते हैं तो इन्हें बेचा कहाँ जाता है। तो इन NFTs को बेचने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है OpenSea नाम का। OpenSea नाम की वेबसाइट है, वहाँ पे सबसे बड़ा NFT कलेक्शन है। इसके अलावा वजीर एक्स पे, Binance NFT पे, Crypto.com पे या Decentraland पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपनी NFTs बेच सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊं कि एक एनएफटी बना के कैसे उसे अपलोड की जाती है और कैसे उसे सेल किया जाता है मार्केट प्लेस में, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और हम वहां करेंगे कुछ और डिजाइन की बातें। स्टे ट्यून्ड।